जम्मू ते तहसील मैरमांदरिया ता ग्रां नोर जिथे के राजा कायजी हुंदा बड़ा गै पवित्र दे पावन स्थान है। आओ अज तो साढ़े कन्ने जुड़ो ते अज साड़ी टीम जेड़ी नोर ग्रां बिच आई पुजी है ते के है काई राजा जी हुंदा इस ग्रां कन्ने जुड़े दा इतिहास। आओ अज साढ़े कन्ने जुड़ो ते अज तुसीं अस ग्रां नोर दी यात्रा पर लेइए जा रहे हैं। नमस्कार, जिन्हें भी साढ़े चैनल के दर्शक दिखा दे सारे साढ़ी तरफा का जय श्री राम। तो तुसीं दसिचै इस वेला अस तहसील मैरमांदरिया की पंचायत ग्राटल तो ग्रां की गल करचै नोर च लेइए आए हैं। तो बड़ा गै प्रसिद्ध ते पावन जिहड़ा राजा कायजी हुंदा देवस्थान है। तो अगर साले की गल करचै तो साले के दो बारी छे छे महीने इतने मेल लगती है, खारका लगता है। तो अज साड़ी टीम भी इतने आई पुजी है। आओ जिहड़े इतने मुख्य सेवक न जिहड़े पुजारी न उन्हां दा कन्ने तुहाडी गलबात करवाने आ जी। स्वागत है सारे कोला पहले दे जी। जय श्री राम। पहले सब तो पहले मैं तुहाडा स्वागत करूँ कि तुसी इन्ने दूर चली आए साड़ी चैनल तुहाडे की स्वागत करूँ मैं, धन्यवाद। ये काई देवस्थान की बड़ी वड्डी प्राचीन जगह है, काफ़ी देर की जगह है। साड़ी इधर दे 12-15 पिंड न जिहड़े फलाम करदे न और छे छे महीने बाद अस हर राशन जिस तरह इस वेले मक्क होई है पहले कणक होंदी छे छे महीने बाद अस खारका दिंदे आ और बड़ी शक्तिवान चीज़ है। काई राजा सलमान दे पुत्र होए ने, इंदे एक भरा भैड़ भी होए जिन्हें जम्मू च मंडी है जिंदी नरगोटे च और राजा काई होए ने अखनूर की मंडी बनाई और बड़े शक्तिवान देवते न। ये छोटी मोटी गलें आस्ते इतने नहीं आना चाहिए ना आते लोग, बड़ी बड़ी जो वेल्लै कोई आफत आई आ उस वेल्लै 10 आदमी इकट्ठे होइए आन दे गल पूरी होंदी है। आखी दी गल जदों कोई बारिश नहीं होए सारे लोग इकट्ठे होइए आते बारिश की सुखन करते हैं उस वेल्लै बड़ा देर नहीं लगती, 4 घंटे के अंदर अंदर बारिश होंदी है और होई भी है काफ़ी बार जदों असें कोई आफत आई नहीं है जां किसी का कोई ब्याह किए ने काफ़ी साल होइए 10 साल होइए सारे थकी गए डॉक्टर इलाज कराई कराइए कुदै पासे नहीं बनने लगा दे इत्थे आइए मनता मनगन तो उन्दे औलाद बख्शिश होंदी है। इस आस्तै इत्थे लोग दी बड़ी बड़ी आसा कन्ने जुड़े दे लोग, इत्थे हर बलादरी दे लोग आंदे न, हिंदू सिख मुसलम सब क्रिश्चन दे इत्थे बड़े घट आबादी नहीं है लेकिन सब इत्थे बाकी दी आबादियां आंदियां न, मुसलमान भी आते हैं इतने वह भी मनते हैं। तो आसा कन्ने जुड़े दिया तीर्थ है एक बड़ा बड़ा, इतने छे छे महीने बाद खारका होंदा अस लंगर भी करने अज सवेर का 7 बजे का लंगर चालू हा तो 11 बजे तक चालू रहना। तो बड़ा बड़ा अस आखिए कि इस जगह का इतिहास के है काई राजा हुंदी इतने कियां इतने पुजे हो तो साढ़े दर्शकों तुसीं इहदे बारे च भी जरूर जानकारी दिओ। काई राजा की जगह इस तरह बनी, छोटे राजे हुंदे हे, राजा सलमान इतने राज करदा हा। उस वेले एक ऊला तरखान का बंदा इतने रहा जी जी, वो गर्मियों के दिन है उस वेले पानी का कोई साधन नहीं हों, पानी लैंड थले चनाब नदी चली आ, चनाब नदी जाते गए जिसल पानी भरन लगा उसी नदी के बिच ही खिंच लिया गया जी जी। जदों खिंचया उसकी अख खुलने बाद देखा तो उ एक राजमहल पुजिया गया, वह ना हाँ ऊला तरखान, वो जात का ब्राह्मण खा आखते उसी कम मिस्त्री का करता है ऊला तरखान। उन्हें जिसलै उत्थे देखिया कि राज दरबार पुजी आ, राजे ने आवाज उसी बुलाया कि तू दे बड़ा अच्छा मकान बनाना है, उन्हें आख्या मैं मकान बनाना, उन्हें आख्या फिर ऐसा ही मकान इतने बना जैसा तू सोचे दा भी नहीं होया ऐसा बना जी जी। उन्हें बोले मेरे को इतने हजार ही नहीं है हथियार वगैरह, मकान कियां बनना मेरे मटीरियल नहीं है, उन्हें आख्या हर एक चीज़ पुजेगी, उन्हें आख्या वह कियां, उन्हें आख्या मैं दिना हूँ तो इस वेल्लै वह कुंडी दिती है उन्हें जैसी मेरी ये कुंडी है, उन्हें यह दिती कि ये कोला जो भी चाहिए थी वह चीज़ मंगी लैनी, खाने आस्ते भी बनाने आस्ते भी लाने आस्ते भी कोई भी चीज़ चाहिए होते मंगते रहना तो महल बनाते रहना। उन्हें 4 साल होइए महल बनाते, 4 साल तक इतने 10-13 भी होए, बारखी भी हुई अद्ध बारखी भी हुई चबरी भी आई, जिस दिन चबरी उस दिन मकान कंप्लीट हुई आ। उन्हें आखिया राजा जी मेरा काम तो पूरा हुई आ, अगर कोई कमी है तो दसो, उन्हें आखिया वाकई महल बहुत वधिया बनया मैं खुश हाँ मंग के मंगने, उन्हें आख्या मंगना की है मेरी अद्धी कोला ज्यादा उम्र होई दी है, धी पुत्र तो कोई है नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, हूँ मेरी बस उत्ते जान दो आज मेरी उत्ते चबरी हुआ दी होनी, उन्हें आख्या नहीं कोई नहीं। फिर उन्हें आख्या कि अगर फिर भी मंग लिया, उन्हें आख्या इ कुंडी दे दो जी दी सब कुछ है,
उन्हें वो कुंडी लई है ते उन्हें आख्या अखा बंद खो बंद कर हूँ बंद अखा कीतियाँ ते वो जल्दी अखा खोलियाँ प्याण कल यात्रा होनी है दरिया के कंडे खो है उत्थे खड़े है वो उत्थों फिर जल्दी उन्हें देखा मैं इतने बाहर पुजी आया उत्थों वो प्यादल 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 दरिया के कंडे कंडे इतने इतने रहा हो इतने आई आ उन्हें पूरी स्टोरी सुनाई दी है कुंडी लेगा मेरा ना है राजा काई मेरे ना का छे छे महीने खारका देने के बाद नया राशन खाना नहीं दे पुराना ही खाते रहना उसके बाद पूरी ममता दसी उन्हें इन्ना मेरे बकरे लगने इन्ना मेरे मंडी बनी इन उन्हें चार साल बथेरिया कहानियां सुनाई दी उसी अदू की यह प्राचीन जगह वो फिर चलते आए साढ़े मसवाल मांदरिया हे उनके कन्ने मित्रता ही उन्हें उन्हीं जगह देनी मांदरिया इतने आइए रोते रहे उस लड़ी में अस चलते आए अज काफ़ी लड़िया हुई अदू दियाँ छोटे राजे की गल है राजा सलमान के वेले की गल है अदू की यह जगह है राजा सलमान ने इतने गैर भी दिता था बारह घमां गैर दिता सोने का नाग चढ़ाया तो अदू की यह जगह प्राचीन जगह चलती है सारे लोग मनते और ये कन्ने के इतिहास जुड़ेदा है तुम जो नाग की गल की है ज कुंडी की गल की है इन्हें कन्ने और इस स्थान कन्ने के इतिहास जुड़ेदा इतों का नाग की गल इस तरह के जे अगर कुसै नाग तंग कर कुसै लड़ी आ नाग इतने सुकन करनी उसी कुछ भी नहीं होएगा इतों बूत ही दिने बूत ही लाने वो बची आग मतलब नाग का हाले तो उन्होंने नाग फिर लड़ना ही नहीं जो इतने तीर्थ कन्ने जुड़े दिन उन्हें नाग लड़ता ही नहीं जदू कोई गलती करेंगे उन्होंने लड़ेगा इंजा नहीं लड़ता जो पर पैर रखन ज चेड़न ज कोई होर ऐसी गलती करन के नाग की जाति के उपर कोई ऐसा थोपगन कुछ तो उन्होंने ही लड़ता अगर वो नाग लड़े ने इतने पुजियन बूत ही लाई आ तो उन्होंने बेश है नहीं प्रवेश करती ये इतों का ऐसा गै कुछ वरदान है तो लगभग किन्ना प्राचीन स्थान है अगर इस स्थान की गल करचै अस कि लगभग किन्ना प्राचीन स्थान है ये प्राचीन 700 साल की गल है साढ़े एक पहले इतने जदों गैर के वेले मकान बनया ही उपर लिखे फटी है साढ़े को लिखी वो अज पढ़ाई वो पढ़ा नहीं है अज को 10 साल पहले दिल्ली लेती वो पढ़ाने वास्तव तो लगभग उन्हें हाउस लाई ही इन्हें कोई लंबसम गए 750 साल होया इसी जगह ही इतने विराजमान ते इहदे अलावा आखदे कि इत्थे काई दी खोह भी है उहदा की इतिहास है कुदै ना कुदै जिहड़ी आवाज़ भी जिहड़ी इहदा जिहड़ा साडा चंद्रभागा इह बगा करदी है उहदी आवाज़ भी आउंदी है देखो चंद्रभागा दा कन्ने जुड़े दे ना राजा काई इहने आंदी दी इहने चंद्रभागा चंद्रभागा उहने राजा सलमान दा आर्डर होया कि जम्मू च जिहड़ा मैनू ठंडा पानी नदी लिया देगा पहले उह राज मिलेगा उहनू जम्मू दा राजा काई चली पे लैन नदी ते उह आंदे आंदे थोड़े लेट होइए ते भैड़ राजा जेड़ा जम्मू तो भी लिया राजा काई ने जेड़ी इत्थों अखनूर गै रोकी लिया ते पता लगी है जम्मू तो भी पुजी गई है ये नदी जेड़ी आंदी दी राजा काई ने उहदे विच इस जिसलै इस जगह पुजी इहदे थल्ले खोह है प्रोपर इस जगह तक है अस बचपन दे विच इक वारी खेला देखिया ही इत्थे खूह बनी ही अपने आप कुछ समान साढ़ा थल्ले चली गया फिर साढ़े मदर होरें आखिया कि उसी समान की चुको नहीं जिहड़ा चली गया जेकर बाकी वाला चुक लिया फिर अपने आप थोड़ी देर के बाद उसलै कच्चा होंदा थोड़ी देर के बाद जिहड़ा एक मिट्टी का कीड़ा होंदा जिसी सिनक कहिंदे उन्हें वह अपने आप जोड़ी ओड़िया उसी वह मिट्टी इस जगह की गल है वह फिर जुड़ी आ फिर अज भी जिस वेलै बरसात गर्मियां होंदियां दरिया दरिया जिसलै ठाठा मारदा होंदा उहदी ठोकर की आवाज़ इत्थे आती है और ये कोई दो राय नहीं है कि थल्ले पानी है इत्थे अवश्य पानी है तो जिहड़ा इधर नाग है नाग कन्ने भी कुछ इतिहास जुड़े दा है बारे भी दर्शकों तो जरूर जान नाग कन्ने इतिहास नहीं है जुड़े का जो राजा काई है ही नाग रूप के है राजा बासक है जोड़ा वह भी नाग रूप में है राजा काई भी नाग रूप में है राजा भैड़ भी नाग रूप में है ये जिंजा राजा मलडीक हो राजा काली पीर हो नाग के रूप में ये इतिहास ही है कि यह नाग रूप के नाग च जन्म लेता आसाधारी ने चांद दे इंसान बनी जन्दे चांद दे राजे बनी जन्दे चांद दे नाग बनी जन्दे आसाधारी रहिंदे ते जिन्ने भी दर्शक तुसीं साडे चैनल दे राहें दिखा दे तुहाडा उहदे सारे लई की सुनेहा रोग साढ़े सारे इहो सुनेहा है कि जिहड़े देव तीर्थ होंदे ने 33 करोड़ देवते विच इह गुरु मन्ने गए 33 करोड़ देवते विच राजा काई गुरु मन्ने गए और इहदी ऐसी भावना है कि इह चांहदे ने कि सारी दुनिया खुश रहे सारी दुनिया आनंद लवे जिहड़ा इत्थे आवे वह भी खुश रहे जिहड़ा नहीं आवे वह भी खुश रहे और सारे वास्ते पुलायन बड़े ठंडे सुभाव दे देते ने ऐसे कोई गल गै नहीं है जदों जदों लोगों पर आपती आती है तो इत्थे सुखन कर दें साढ़े करोना होया इन्ना दुनिया पर इन्नी आपती आई कहर साली बई विनाशकारी हुई साढ़े एरिए कुसै एक भी बंदे करोना नहीं होया ना कोई ऐसी गल होई जिन्हें इत्थे मत्था टेकिया जिहड़े आईए करोना दे विच भी आ लंगर करदे और कई लोग यह भी आखिया कोरोना लंगर नहीं करना चाहिए आना नहीं चाहिए जेड़े जेड़े मैं अदू भी आवाज़ निकली
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੰਡੀ ਪਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈ ਲੈਣ, ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਵੈਸੇ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਫਤ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਤਨ ਰਾਜਾ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੇ ਬਜਾਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਹੀ, ਔਰ ਬਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋਂ ਇੰਦੀ ਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਸ ਬਰਾਜਮਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸ ਮਹਿਰਾ ਮਾਂਦਰਿਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਨੋਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਾਈ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਲਾਟੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਿਓ।